हृदयस्थली गांधी मैदान आज एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जहां बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अपने सामाजिक अभियान के तहत बिहार में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें सूबे के आम लोगों और खास लोगों ने एक साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित गांधी मैदान में गुब्बारा उड़ाकर लोगों से दहेज और बाल विवाह को ना करने की अपील की। पूरे राज्य में लोग 12 से 12:30 बजे तक आधे घंटे कतार में एक दूसरे का हाथ थामकर बिहार सरकार के सामाजिक अभियान के साथ जुड़े नजर आए। मानव श्रृंखला नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव की विभिन्न सड़कों और पगडंडियों से होकर गुजरी। ये मानव श्रृंखला करीब 13,668 किलोमीटर लंबी बनी। इसमें करीब 4 से 4.5 करोड़ लोग शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के उपसभापति हारून रशीद, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह समारोह में मौजूद हुए। इस मानव श्रृंखला के जरिए एक बार फिर बिहार ने नशाबंदी के बाद दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपने जंग का ऐलान किया। तरफ से करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जनता की जागृति, आम लोगों की जागृति सबसे जरूरी है। जैसे बाल विवाह दहेज प्रथा, इसके खिलाफ तो कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों जारी है? क्योंकि सजगता की कमी है। अब हम लोगों के अभियान का मकसद है लोगों को निरंतर सजग रहना, ताकि इससे वो बचे। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है, और विकास के सारे काम को पूरी मजबूती से करते हुए समाज सुधार के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं, और हम मानते हैं कि सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाना भी हम लोगों का दायित्व है, और हम लोगों को इस मामले में भी जो भी संभव हो लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विकास हम जितना भी कर दें, लेकिन अगर सामाजिक कुरीतियों का ही बोलबाला रहेगा तो विकास का वह लाभ जन जन को नहीं प्राप्त हो। बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़कियां, महिलाएं व किन्नर भी इस मानव श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। इसके लिए पटना जिले की कुल 12 लड़कियों को बुलाया गया था, जो गांधी मैदान में मानव श्रृंखला में सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़ी हुई। दानापुर की धनवंती, जिसने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, वही प्रियंका और गुड़िया, जिसने बाल विवाह को ना कहकर समाज में बड़े बदलाव की नींव रखी है। ऐसी कुल 12 लड़कियां समाज के समक्ष इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। इससे पहले पिछले साल 21 जनवरी को शराबबंदी के पक्ष में बनी मानव श्रृंखला ने कीर्तिमान बनाया था। 12,760 किलोमीटर में बनी उस मानव श्रृंखला में 3 करोड़ से ज्यादा लोग एक दूसरे का हाथ थामे एक कतार में खड़े हुए थे। इसके बाद ये दूसरा बड़ा मौका था जब अपने इस अभियान से बिहार ने अपने पूर्व कीर्तिमान को भी पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास बना डाला। हम जितना ही मुख्य धारा के मुद्दों से जुड़ेंगी तो हमारे भी मुद्दे को मुख्य धारा के लोग लेंगे, और हमारी भी जिंदगियां मुश्किल से अच्छी स्थितियों में आएगी, क्योंकि समाज सोचेगा कि हाँ, हम समाज के हर एक मुद्दे के साथ हैं, कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उसे खत्म करना है, तो क्यों ना हो कि समाज भी सोचे कि हमारी जिंदगियों की जो मुश्किलें हैं वो भी खत्म। कड़कड़ाती ठंड के बीच सुबह से कतार में खड़े स्कूली बच्चों के साथ आम लोगों का उत्साह, तेज धूप के बाद भी ठंडा नहीं हुआ। लिहाजा सीएम नीतीश नशाबंदी के बाद मिले इस जन समर्थन से काफी उत्साहित नजर आए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नशाबंदी के तर्ज पर दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ उठते सरकार के इस मुहिम का आम लोगों पर कितना असर पड़ता है। साधना न्यूज के लिए पटना से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ नवनीत कुमार की रिपोर्ट। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी गणेश सम्राट पटना से। गणेश, 5 करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया, अपने आप में एक रिकॉर्ड। क्या लगता है, लोगों में जागरूकता आ गई है? बिल्कुल खुशबू, आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले बात है कि मानव श्रृंखला को लेके बिहार में एक
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की थी पिछले साल शराबबंदी और नशाबंदी को लेके, और उसके बाद नीतीश कुमार ने शराबबंदी की सफलता को देखते हुए एक बार फिर से दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पे कोठाराघात करने के लिए उस पर जो आम लोग हैं उनकी सहभागिता के साथ उस पर एक चोट दिया जाए, जिससे कि समाज के अंदर जागरूकता हो, समाज के हर तबके के लोग एक साथ जुड़े और उसके बाद सामाजिक इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सब मिल के आगे बढ़े। नीतीश कुमार इसे अपना ड्रीम मानते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम सरकारी अमले जामा के तहत तमाम सरकारी तंत्र एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस आयोजन को सफल बनाने की तैयारी चलती है। तकरीबन 14,000 किलोमीटर की इस मानव श्रृंखला को भले ही सफलता मिली हो, साथ ही सबसे अहम बात है कि इस 12 से 12:30 तक पूरी तरीके से एक पूरे बिहार से जो तस्वीरें सामने आई, कुछ जगहों को छोड़ दे तो मानव श्रृंखला पूरी एक दूसरे से जो लोग हैं एक दूसरे का हाथ थामे श्रृंखला में खड़े रहे, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, हर व्यक्ति इस उत्साह के साथ था, इस भरोसे के साथ था कि भले ही शराबबंदी के मानव श्रृंखला के लिए लाइन में जरूर खड़े थे लेकिन शराबबंदी कुछ पैमाने पर सफल नहीं हुई, भले ही सरकार द्वारा उसे सफल होने की दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन इन सब के बावजूद अभी दहेज प्रथा और बाल विवाह जो समाज की पुरानी कुरीतियां हैं जिसके लिए पहले से भी संविधान में कानून बने हुए हैं लेकिन आज तक सख्ती से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लिहाजा अब सरकार को प्रमुखता के साथ मानव श्रृंखला बनानी पड़ रही है, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, लिहाजा इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए पटना से हमारे साथ दो महत्वपूर्ण जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले हम इनका परिचय करा देते हैं। महागठबंधन से हमारे साथ इंजीनियर अजय यादव हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, महागठबंधन से हमारे साथ सत्येंद्र पासवान जी हैं जो राजद कांग्रेस के डेलीगेट के तौर पर हमारे यहाँ आए हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से इंजीनियर अजय यादव हमारे साथ हैं और ये अपनी बात रखेंगे कि सरकार के साथ आज ये हैं, हालांकि दोनों लोगों को बुलाने का मकसद यह था कि शराबबंदी के मुद्दे पर महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी थी, दूसरी तरफ दहेज प्रथा और बाल विवाह के साथ एनडीए एकजुट दिख रही है जगह जगह। सबसे पहले सवाल हम एनडीए के नेता इंजीनियर अजय यादव से करेंगे कि आखिर अजय जी जरूरत क्या पड़ी इस पूरे मानव श्रृंखला की कि समाज में इस तरह की जागरूकता की, जब सरकार पहले से ही नियम बने हुए हैं 1961 की बात करें या 2006 की बात करें, तो ऐसे में अब आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि समाज को जागरूक करने के लिए सरकारी धन का खर्च करके 3 महीने से ज्यादा समय से इसकी तैयारी की जाती है और वैसे में अब जाके मानव श्रृंखला हर साल। देखिए कानून बहुत पुराने हो गए और उसमें जो कन्विक्शन है उसकी संख्या इतनी कम थी कि उस कानून को लोग तोड़ते थे और पकड़े भी नहीं जाते थे, लेकिन यह जो कानून है नया कानून आने के बाद इस कानून के प्रचार प्रसार के लिए, पिछली बार जब शराबबंदी की चर्चा हुई थी और शराबबंदी के लिए जब मानव श्रृंखला बनी थी तो लोगों के मन में एक भाव था कि बिना प्रचार प्रसार के शराबबंदी का कानून लागू कर दिया गया, अब जिसके कुछ साइड इफेक्ट पड़े कि जो दलित समाज के लोग हैं वो लोग ज़्यादा इस कानून के जद में आ गए, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह जो दहेज प्रथा और बाल विवाह यह जो कानून है यह कानून इम्प्लीमेंट होने के पहले हर घर के बच्चों तक पहुंच गया। अजय जी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम ये जानना चाहते हैं। जरूरत इसीलिए पड़ी कि पुराने कानून, मैंने पहले भी कहा कि पुराने जो कानून थे उसको तोड़ करके लोग बच जाते थे, उसमें कन्विक्शन की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम लोगों को कानून तोड़ने पर सजा होती थी। नए कानून से लोग नहीं बचेंगे, नए कानून में इतनी शक्ति है कि मैं आपको बता दूं कि गृह जी की इस कानून के जद में आने के बाद लोग परेशान हो जाएंगे और उनको किसी भी हालत में यह जो दहेज है इसको लेने देने में हमेशा संकोच होगा। जी कैसे पता चलेगा, क्योंकि दो लोगों के बीच बातचीत होती है, दो लोगों के बीच लेन देन होती है, टेबल के अंदर घर के अंदर, कैसे सामने जब आएगा ही नहीं। देखिए ये सामाजिक कुरीति है, इसके बारे में कौन कहता है कि नहीं जानकारी होती है। मुझे मालूम है कि मेरे भाई की जब शादी थी तो लोग कितना ऑफर करते थे और मेरी बहन की जब शादी थी तो कितना हमारे लड़का पक्ष के लोग कितना पैसा मांगते। यही सवाल सत्येंद्र जी से हम जानना चाहेंगे। सत्येंद्र जी
अजय जी कह रहे हैं कि सामाजिक जो बुराई है इसके लिए प्रचार प्रसार जरूरत थी, पुराने कानून में लोग सजग नहीं थे, नए कानून से सजगता आएगी, लोग सजग होंगे, जागरूकता फैलेगी, लेकिन सरकार को पुराने कानून और नए कानून के भेदभाव बताने में करोड़ों रुपये खर्च करने की जरूरत क्यों? इसमें देखिए, इसमें जो कानून बना रहे हैं नए तरीके से, कानून बना हुआ है उसमें जो खर्च कर रहे हैं, बेवजह सरकार का पैसा खर्च हो रहा है और निराधार है। हम कहना चाहते हैं कि जो कानून इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं पहले, तो फिर आप नए कानून के माध्यम से आप नहीं करा सकते हैं। यह जो दहेज प्रथा है, दो आदमियों का मिलन का है, दोनों का मन का बात है, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष का है। यदि आप रोकना चाहते हैं तो उनके बीच में आप ऐसे प्रोत्साहित करिए जिससे वह आगे बढ़े और आगे बढ़ कर करके दहेज के प्रथा के खिलाफ स्वयं खड़ा हो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। बड़ा अहम सवाल है कि सामाजिक बुराई और समाज के हित की बात आपकी भी पार्टी करती है, आपके गठबंधन की भी तमाम नेता करते हैं, लेकिन इसमें आपका साथ क्यों नहीं रहा? नहीं, इसमें मानव श्रृंखला कोई औचित्य ही नहीं है, यह औचित्यहीन है और जनमानस के खिलाफ है। यह जनमानस में कहीं उत्साह नहीं है कि मानव श्रृंखला बने और मानव श्रृंखला के माध्यम से प्रचार प्रसार हो। यह सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है और दुरुपयोग कर करके यह बताने का काम किया है कि यह मानव श्रृंखला नहीं किया गया। आखिर किस बेस पर मानव श्रृंखला कर रहे हैं? एक तरफ नंदनगांव के लोग कराह रहे हैं, झंडापुर भागलपुर में जो घटना घटी, 3 दलितों की हत्या हुई, वहां के लोग कराह रहे हैं, न्याय मांग। सतेंद्र जी, हर बात विपक्ष में होने के नाते यह नहीं होता कि आप राजनीति करने शुरू कर दीजिए। यह जो मुद्दा था समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन आपके तमाम नेता जब पिछली बार जब सरकार के हिस्सा थे तो बीजेपी पर निशाना साधते थे, एनडीए के ऊपर, और एनडीए के लोग सवाल उठाया करते थे। शराबबंदी में आप साथ में खड़े थे और हाथ से हाथ जुड़ा हुए थे। आज आपके नेता ने भी ट्वीट करके कहा है कि जब हम आपके साथ थे तो अपार जन समर्थन मिला था, तो आखिर अब जन समर्थन क्यों नहीं? देखिए, शराबबंदी निश्चित तौर से होनी चाहिए थी और हम सब लोग उनको सहयोग करने का काम किए, लेकिन आज आप ही की पार्टी और आपके दल और आप तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ, उसमें कहना चाह रहे थे कि शराबबंदी आपका यह विफल है और शराबबंदी कहीं भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण से यह लोगों को, गरीब लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, गरीब लोगों को पकड़ करके जेल में बंद किया जा रहा है, उनको शिक्षों में बंद कर करके यह साबित कर रहे हैं कि हम गरीब विरोधी हैं, और शराबबंदी कहीं नहीं हुई है, यह बिल्कुल असफल है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते हैं कि शराबबंदी इन्होंने किया है। चूंकि देश में जब अच्छा दहेज और बाल विवाह को लेकर जो आज मानव श्रृंखला की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार के विकास के लिए हम काम करेंगे, साथ ही साथ सामाजिक जो बुराइयां हैं उसके लिए भी पुरजोर सरकार की मुहिम है, यह निरंतर चलती रहेगी, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि यह मानव श्रृंखला का जो सिलसिला की शुरुआत हुई है वह आगे भी चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा इनका मानव श्रृंखला नहीं चलेगा, क्योंकि यह हृदय से नहीं चाह रहे हैं कि लोगों का विकास हो सके। अगर लोगों का हृदय से विकास चाहते तो उनके बीच में जाते, उनके बीच में रहते और रहने के बाद उनको प्रोत्साहित करते कि साहब हम आपके साथ में हैं। जब नंदनगांव में ये जा रहे थे तो लोग रुकने का प्रयास किए, तो इनको रुक कर करके उन लोगों से बात करनी चाहिए कि आपके यहाँ कौन सी समस्या है। बिल्कुल इसी का जवाब हम लेंगे। अजय जी, जिस तरीके से सतेंद्र जी का कहना है कि सीएम हृदय से नहीं चाहते हैं कि तमाम जो सामाजिक बुराइयां वो खत्म हो, लेकिन सवाल यह हो कि आखिर मानव श्रृंखला ही क्यों इतना जो ब्रांडिंग करना है, क्या अपने चेहरे की ब्रांडिंग नहीं होती इसमें? देखिए, ब्रांडिंग की बात नहीं है, हम लोग तो यह उम्मीद करते थे कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के इस तरह की बुराई के खिलाफ खड़े हों, लेकिन इनके महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं बिहार में, उनका राग ही कुछ और था। उनका कहना था कि बेरोजगारी से जो लोग त्रस्त हैं उन लोगों की मानव श्रृंखला बनाई जाए। साहब, जो चीजें अभी चल रही हैं वर्तमान में, जिसकी जरूरत है बिहार को, उस पर अगर काम हो रहा है तो उसमें विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा वो करती है सरकार, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सबसे आगे आकर के मानव श्रृंखला में भाग ली और आपकी पार्टी शराबबंदी को लेकर विरोध कर रही थी। नहीं, हम शराबबंदी को लेकर के विरोध नहीं था हमारा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी का उसमें यही कहना था कि जो लागू करने की प्रक्रिया है सबसे पहले उसमें प्रचार प्रसार होता, वो विरोधी है एक तरीके से। अजय जी, लेकिन अच्छा मानते हैं कि शराबबंदी में आप एनडीए के हिस्सा नहीं थे, एनडीए में जो आप हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिस्सा नहीं थे, महागठबंधन के लोग उस समय शामिल थे, लेकिन अब आप नीतीश कुमार के साथ थे तो जाहिर सी बात है कि आप उनके पक्ष की बात कीजिएगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार सख्ती से आदेश निकाले,
कि भाई आपको लाइन में खड़ा होना है, और लाइन में खड़े होने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि जो सामाजिक चेतना की बात मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग कर रहे हैं वो अमली जामा पहनाया जाएगा या धरातल पर वो सोच उतरेगी? देखिए, हाई कोर्ट ने जो आदेश किया उसका अक्षरशः पालन राज्य सरकार ने किया है, कहीं कोई सख्ती नहीं थी। आपको कहां लगा कि सख्ती है, कहां विरोध लोगों ने किया? नहीं, सवाल यह कि आज मानव श्रृंखला बनाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा दहेज समाज से? बाल विवाह, दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी? देखिए, कुरीतियां धीरे धीरे खत्म होती है। जब शराब बंदी हुई थी बिहार में तो लोगों के मन में यह भाव था कि यह कैसे खत्म होगा, लेकिन आप देख लीजिए बिहार में सक्सेस का रेट कितना ज्यादा है। ठीक है, कुछ समाज के लोग पकड़े जा रहे हैं जो जिनमें अवेयरनेस नहीं है, वो शराब चुला रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। शराब पे हम नहीं जाएंगे, हम सीधे चले जाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो बुनियादी जरूरत है इसके लिए सरकार को खड़ा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? स्वास्थ्य के मामले में या शिक्षा के मामले में क्यों ऐसे गैर जिम्मेवार बने हुए? जरूरत इसकी थी कि समाज में अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो किसी मानव श्रृंखला की जरूरत नहीं होगी, लोग स्वतः ही समाज में जागरूक हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि आप उनके पार्ट हैं, तो आपको बेसिक जो जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, उस पे उसके लिए समाज को चोट करें, उसके लिए लोगों को लाइन में लगाएं, जागरूकता उसके लिए फैलाएं, मानव श्रृंखला उसके लिए करें? जी बिल्कुल। देखिए, 13 दिसंबर को पिछले ही साल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी ने एक बड़ा धरना कॉल किया था। उस धरना के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को आगाह किया कि इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, जैसे 3 डिसमिल जमीन थी उसको 5 डिसमिल करना, शिक्षा के स्तर को सुधारना, जो कॉन्ट्रैक्ट कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं बहाली है उसको परमानेंट करना, इन सब चीजों पर खास करके जो प्राइमरी एजुकेशन है। बिल्कुल स्वतंत्र जी, इनका कहना है कि हमारी पार्टी और हमारे जो हमारे लोग जो है इसके लिए तमाम जो सरकार के खिलाफ भी जाते हैं, लेकिन क्या उसका असर दिखता है समाज पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ रहा है। ये लोग भले सरकार में हैं, लोग एनडीए के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन आप पूछिए उन गरीबों से, जिस गरीब को जेल में बंद कर दिया जा रहा है, बेवजह बंद कर कर करके उसको रखा जा रहा है, और उसके पूरा का पूरा परिवार जब प्रताड़ित होता है तो वह लगता है कि साहब हमारे लिए यह सरकार नहीं है। सरकार से हर लोगों की उम्मीद होती है कि हमें विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, दवा चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप श्रृंखला बनाना है मानव श्रृंखला, तो बेरोजगारों का बनाइए, शिक्षा में बनाइए, अमूलचूल परिवर्तन करिए, लेकिन कहीं शिक्षा में नहीं। शिक्षा घोटाला आपके यहाँ है, मेधा घोटाला है, दवा घोटाला है, सृजन घोटाला है, इन तमाम घोटालों पे आप पर्दा डाल करके मानव श्रृंखला बना कर करके आप स्वयं चाहते हैं कि उन मुद्दों से बिल्कुल हटाया जाए। समय की कमी है अजय जी, बस संक्षिप्त में हम जवाब चाहेंगे कि आखिर सरकार में बिहार में कई घोटाले हुए, निरंतर घोटाले पे घोटाला होते जा रहा, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को इन मामलों को लेकर सजग होना चाहिए, न कि मानव श्रृंखला बना के एक दिन का कार्यक्रम करे, फिर वही पुरानी बात, सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाए, और समाज के लोग जिस तरीके से जो बेरोजगार हैं, जो उनकी जरूरत है, उस पर आखिर चोट क्यों नहीं पहुंचाई जा रही? बिल्कुल, देखिए सृजन घोटाले की जाँच हो रही है, शौचालय जो घोटाले हुए हैं उसकी जाँच हो रही है, घोटाले करने वाले लोग अब घोटाले पिछले कई सालों से चल रहा, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। नहीं, धान घोटाला देखिए सब जांच का विषय है, जांच चल रहा है, कोई व्यक्ति इसमें बचेगा नहीं। यह सरकार ऐसी है, किसी के साथ ना तो ये किसी का पक्ष नहीं लेती है। घोटालों का सरताज आज जेल में फंसा हुआ है, और वह घोटाले आपके भी सरकार में है, घोटाले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 3रा टर्म है, 13 साल से सत्ता में है, और घोटाले पे घोटाले दिख रहे हैं, कैसे किसी एक व्यक्ति को घोटालेबाज कहा जा सकता है? नहीं, जो घोटालेबाज थे, देखिए उसमें कई लोग फंसे हुए हैं, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई राजनीतिक दलों के नेता। सतेंद्र जी, आपको घोटालेबाज आपके नेता को कहा जा रहा है सीधे तौर पे, और इस नीतीश कुमार की सरकार में क्या घोटाले नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारे नेता को जो फंसाया गया है उसमें हम मानते हैं कि सरासर उनको फंसा कर करके गरीबों की आवाज को दबाने का काम किया है, सामाजिक न्याय की धारा को कुंठित करने का काम किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब आपके यहाँ लगातार घोटाले हो रहे हैं और जांच कर करके आप ठंडे बस्ते में डाल दिया कर रहे हैं, उस पर पुनः आप ना इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं। आप बताइए, आपके यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ा है, पटना में रौनक कुमार की हत्या परसों हो जा रही है, कुम्हरार का ही घटना है, उसको बैठा लेता है और बैठा करके ले जा कर करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और अपराधी को पकड़ने के लिए डिटेल्स, मोबाइल डिटेल्स दिया जाता है, फिर भी प्रशासन का चूक होता है और उसकी मौत होती है। आप बताइए कि प्रशासन पहले सुधारेंगे या लोग के सुधारने का काम करेंगे? लोग को सुधारने का काम तब करेंगे जब आपका तंत्र सुधरा हुआ होगा।
ऐसा नहीं है कि आपका तंत्र सुधरा हुआ है, आप कहेंगे कुछ और करते हैं कुछ। इसलिए हम मानव श्रृंखला के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि जन भावना के अनुरूप नहीं है और यह जन भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके बीच में कोई उत्साह नहीं है, वो गरीबों को रोजगार चाहिए। आप बालू बंद कर दिए, बालू में छोटा से छोटा मजदूर भी, व्यवसाय करने वाला जो लोग है, कामगार लोग है, उसका हाथ बेकार हो गया। अब वह क्या खाएगा, क्या पिएगा, इस पर कभी चिंतन आप नहीं किए। बिल्कुल, कई समस्या है, जरूरत थी कि समाज को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पे जो जरूरत है बिहार को विकसित करने के लिए उन मुद्दों को उठाते, शिक्षा स्वास्थ्य जो बुनियादी जरूरत है, अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, कई हत्याएं राजधानी पटना सहित सभी पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। ऐसे में सरकार को एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए और सभी दलों को इस पहल का समर्थन करना चाहिए। जी खुशबू, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, और उन विशेष अतिथियों का भी जो आपके साथ जुड़े। निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है कि एक मानव श्रृंखला का निर्माण जरूर हुआ है जिसमें 5 करोड़ लोगों की भागीदारी दिखी है, लेकिन सरकार को जनता की बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी सोचने की जरूरत है ताकि इस तरह की मानव श्रृंखला बनाने की कोई जरूरत पड़े ही नहीं।